बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और एक बहुत ज़बरदस्त फजीलत वाली हदीस आपको बताऊंगा। आज मैं तिर्मिज़ी शरीफ का मुताला कर रहा था, बैठ के पढ़ रहा था, ये हदीस मेरे सामने आई है तो मुझे याद आ गया कि ये हदीस आपके सामने भी बयान करूं। और याद रखिएगा, एक तो इस अमल की फजीलत और दूसरी बात, रमज़ान का महीना है, एक और फजीलत है इसमें, क्योंकि इसमें रमज़ान के महीने में नफली आमाल के सवाब फराइज के बराबर पहुंच जाते हैं। उस रिवायत में ये बयान किया गया है, अगर कोई आदमी सुबह के टाइम और शाम के टाइम दोनों टाइम 100 मरतबा सुबहानअल्लाह ये जुमला कह देता है, ये अल्फाज अदा कर लेता है, सुबह भी 100 मरतबा बोला था और शाम के टाइम में भी 100 मरतबा इसको पढ़ा है, अब इससे क्या होगा, उसके नामे आमाल में 100 हज करने का सवाब लिखा जाएगा। इतनी बड़ी फजीलत है। और उसके साथ दूसरी बात, अगर कोई सुबह के टाइम में 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ नहीं, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह, और शाम के टाइम में फिर 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह इसको कह लेता है, उसके नामे आमाल में 100 जिहाद करने का सवाब लिखा जाएगा। अगर आप दोनों को करते हैं फिर दोनों की फजीलत आपको मिल जाएगी, इसे 100-100 मरतबा, उसे 100-100 मरतबा सुबह शाम पढ़ लीजिए। इसी तरह यह भी आया है हदीस में, उसी हदीस की बात कर रहा हूं जो तिर्मिज़ी शरीफ में मौजूद है, अगर कोई सुबह के टाइम में 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ इतना ही, और शाम के टाइम में इसे 100 मरतबा, सुबह शाम 100 मरतबा इसको पढ़ लेता है, कह लेता है, उसके नामे आमाल में 100 गुलाम आजाद करने का सवाब लिखा जाएगा। कितनी बड़ी फजीलत है। उसके बाद उसी हदीस में यह भी आया है, अगर कोई 100 मरतबा सुबह शाम अल्लाह अकबर कह लेता है तो उसके नामे आमाल में इतनी फजीलत लिखी जाएगी, इतना सवाब लिखा जाएगा कि उस दिन उससे ज्यादा अफजल कोई नहीं होगा, सिवाय उस आदमी के जो वो कलेमात कहा होगा, उसके अलावा कोई आदमी ऐसा हो या इससे ज्यादा कलेमात कोई कहा हो वो उससे फजीलत में बढ़ेगा, वरना सबसे अफजल आदमी वही कहा जाएगा, उसी को कहा जाएगा उस दिन के लिए। इतनी बड़ी फजीलत है। लिहाजा रमजानुल मुबारक का महीना है, लॉकडाउन भी है, इतनी बड़ी बड़ी फजीलत आप इसके जरिए हासिल कर सकते हैं। ये मौका बहुत अहम मौका है, इसको हाथ से जाने मत दीजिए। और आपसे गुजारिश है कि इसको भी आप भी अमल करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं शेयर करके, और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। नीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ एड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।